मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। इसे लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया था। आप सोच रहे होंगे कि पेंटिंग 6 महीने या 1-2 साल में पूरी हो जाती है। हालांकि दा विंची ने 1503 और 1519 के बीच पेंटिंग को पूरा किया। इस उत्कृष्ट कलाकृति को पूरा होने में 16 साल लगे। पेंटिंग को पेरिस के लूव संग्रहालय में स्थायी रूप से प्रदर्शित किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत $900 मिलियन है। जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जाती है, उसी तरह मोनालिसा को भी समान स्तर की सुरक्षा दी जाती है। पेंटिंग इतनी प्रसिद्ध है कि भारी भीड़ को आकर्षित करती है। सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला किस्सा वायरल हो गया, मैं आपको बताता हूँ। एक 36 वर्षीय व्यक्ति व्हीलचेयर में संग्रहालय गया और वह एक महिला के वेश में था। लंबी कतारों से बचने के लिए उसने दिव्यांग होने का फायदा उठाया। दिव्यांग लोगों को पेंटिंग के करीब एक विशेष स्थान दिया जाता है ताकि वे कलाकृति को स्पष्ट रूप से देख सके। फिर वह व्हीलचेयर से उठा और एक रस्सी के नीचे से अवरोध के नीचे जाकर पेंटिंग के शीशे पर पीटना शुरू कर दिया। जब शीशा नहीं टूटा तो उसने कांच के केस पर केक लगा दिया। जैसे ही सुरक्षा गार्डों ने उस पर हमला किया, उसने अपने मुंह में जो गुलाब था उसे तोड़ दिया और गार्ड्स पर फेंका। जैसे ही सुरक्षाकर्मी उसे दूर ले गए, उस व्यक्ति ने कहा, इस पेंटिंग के बजाय मैं चाहता हूं कि कलाकार ग्रह को बचाने के लिए विचार करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदूषण के कारण पर्यावरण बदल रहा है और सभी लोग पीड़ित हैं। मैं चाहता हूं कि कलाकार मेरी बात सुने और सोचे कि हम अपने ग्रह को कैसे बचा सकते हैं। आदमी को जांच के लिए एक पुलिस मनोरोग इकाई में भेजा गया और उससे पूछताछ की जा रही है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ हो। 1911 में संग्रहालय से मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी। दो साल तक इस बात का कोई संकेत नहीं था कि पेंटिंग कहाँ हो सकती है। फिर किसी ने एक इतलावी आर्ट डीलर को पेंटिंग बेचने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी गई। तब पेंटिंग को बरामद किया गया और संग्रहालय में वापस लाया गया। 1950 में एक शख्स ने पेंटिंग पर तेजाब फेंका था। पेंटिंग के केवल निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा, लेकिन ऊपर का हिस्सा बरकरार था। तभी संग्रहालय ने सुरक्षा के लिए पेंटिंग पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने का फैसला किया। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदर्शन में जो पेंटिंग है वह एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिकृति है और असली पेंटिंग लूव में छिपाई गई है।
यदि आप मोनालिसा के इतिहास के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में नीचे बताइए।